अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समी लाइट्स। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक मेगावाट जनरेटर के बारे में जो 11 kV बिजली जनरेट करता है। आइए हम उस भाई से मिलवाते हैं जो इस जनरेटर को आप मेरे पीछे देख रहे हैं लगा हुआ है, जो इसको ऑपरेट करता है। अस्सलाम वालेकुम, ये हम आपको मिलवा रहे हैं भाई इस दोस्त से जो इस जनरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं। जी भाई, नाम क्या है आपका? मोहम्मद कफील। अच्छा भाई, आपको इस बारे में बताना है कि ये जनरेटर कितने मेगावाट का है? 1 मेगावाट का। और ये 1 मेगावाट से कितनी बिजली जनरेट करता है? ये 11 kV भी कर सकता है, 440 वोल्ट निकालता है। हाँ तो जी कफील भाई, इसमें बताइए क्या क्या चीज़ें लगी हैं इसमें? काफ़ी चीज़ें भाई लगी हुई हैं। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग मोटर लगी हुई है। जी जी बताएँ कौन सी? अल्टरनेटर लगी हुई है। सही। उसके बाद टैबलेट कवर है, इसमें इंजेक्टर होते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्यूल फिल्टर लगे हुए हैं, ये सलेंसर लगा हुआ है मेन। उसके बाद टर्बो लगी हुई है, काफ़ी चीज़ें हैं भाई। इसके बाद इसमें तकरीबन 300 ऑयल डालता है, 300 लीटर ऑयल डालता है। 300 लीटर। और ये सामने ये क्या लगा हुआ है? ये फैन बेल्ट है, फैन है, रेगुलेटर है इसके आगे। सही। ठीक है। उसके बाद ये वाटर लैन है। ठीक है। ये वाटर टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है। उसके बाद ठंडा रखने के लिए, जी जी, इसको ठंडा रखने के लिए ये इसकी वाटर दूसरा एयर लाइन है। अगर इसमें कोई फॉल्ट वगैरह हो तो ये बंद हो जाता है। ये मोबाइल डालने के लिए है। बस यार जी कफील भाई, ये बताएं ये ट्रांसफार्मर आपने किस लिए लगाया? ये ट्रांसफार्मर हम 440 वोल्ट लेते हैं इससे। सही। और आगे ये लैन केबल के लिए जा रहा है। तो ये क्या चलता है इस पे? ये इसमें पूरी सोसाइटी चल रही है, पूरी सोसाइटी। यानी कि 1 मेगावाट में ये पूरी सोसाइटी। हाँ जी, तकरीबन 1200-1400 एम्पेयर चल रहे हैं इसमें, यानी कि कह लो कि 800 किलो वाट मतलब लोड चलता है इसके ऊपर। जी दोस्तों, जैसे कि हमने उस भाई को आपसे मिलवाया था, ये जनरेटर, इस जनरेटर के बारे में उसने मालूमात दी हमें, तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।